नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। अभी मैं संगम नगरी प्रयागराज में मौजूद हूं और आप देख रहे हैं कि आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे घाट पे श्रद्धालुओं का भीड़ लगा हुआ है और किरण डूबने के बाद, मतलब अंधेरा होने के बाद भी नहान चल रही है। काफी लोग जो है पानी में उतरे हुए हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। साधु जी भी मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से आखिर इस त्यौहार के बारे में कब तक चलेगा, क्यों मनाया जाता है, सारी चीज हम जो है यहाँ पे बैठे हुए साधु जी से हम जानकारी लेते हैं। बाबा, पहले तो नवरात्रि की आपको बधाई हो। या चैत नवरात्र की, नव वर्ष की आप लोगों को भी बधाई। यह त्योहार हिंदू नववत्सर नव संवत्सर के अनुसार से नए वर्ष का प्रारंभ है हम लोगों का, तो इसलिए नए वर्ष के प्रारंभ की सभी देशवासियों को, प्रयागवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई। बधाई। बाबा ये बताइए कि जो है ये कितने दिन चलता है और इसकी शुरुआत कब हुई, आखिर नवरात्र मनाते क्यों है? नवरात्र देखिए, ये हमारे बताया ना भाई, अभी ये चैत्र नवरात्र हमारे हिंदू धर्म के अनुसार से अब हमारे नए साल का पंचांग आज से चालू होता है। जनवरी में तो ये ईसाइयों का पंचांग है। हिंदू नववर्ष ये चैत्र नवरात्र से ही प्रारंभ होता है। अब 2087 संवत्सर चलने लगा है, ये हमारा हिंदू धर्म के अनुसार से कैलेंडर है चलते हैं। हाँ, ये नहान बाबा कब तक चलेगा, कई रोज चलता है? प्रयागराज में तो स्नान 365 दिन चलता है, लेकिन ये नवरात्र के विशेष 9 दिन होते हैं। 9 दिन विशेष होते हैं। इस दिन आदमी घर में कन्याओं का पूजन करते हैं, कलश रखते हैं, आरती करते हैं, देवी का 9 दिन रहता है। सब शुभ कार्य हमेशा माताओं के माध्यम से, देवियों के माध्यम से ही प्रारंभ होता है। तो अक्सर बाबा देखा जाता है कि जैसा कि ये संगम नगरी है, यहाँ पे 365 दिन श्रद्धालुओं का भीड़ होता है, तो यहाँ कहाँ कहाँ के लोग पहुँचते हैं? भीड़ तो काफी होती है, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पे? तो ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड से लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, से भी आते हैं। अब माता जी भी लोग आई हुई है, देखिए इन लोग से भी, ये लोग भी बाहर से हैं, बिहार है, राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटक है, कलकत्ता, ऑल इंडिया जी। पास के 100-200 किलोमीटर के तो रोज हफ्ते में आना जाना उनका लगा ही रहता है। कोई एकादशी ना आ रहा है, कोई परदोष ना आ रहा है, कोई अमावस्या ना आ रहा है। बाकी दूर के जो 1500 किलोमीटर वाले हैं, वो तो आते जाते रहते हैं, बसें आती रहती हैं। वो हनुमान मंदिर से ऊपर तक पूरी बसें लगी हुई हैं, सब टूर बस अभी आती है, प्रयागराज के दरबार तक आ जाती है बसें यहाँ पे, और यहाँ स्नान करके निकलते हैं अपने लोग, सब लोग अपने अपने जगह। हाँ हाँ, यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है प्रशासन द्वारा जी। ये इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पुलिस व्यवस्था भी बहुत बढ़िया देखिए रहती है। चोरी चमारी की दुर्घटनाएं बहुत कम होती है, चोरी तो हर जगह होती है, आपके घर पे भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया, सुरक्षा आप लोगों को मिली रहती है, पूरी सुरक्षा रहती है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आप अपनी लापरवाही करेंगे, बैरियर लगा है, इस बैरियर के बाहर जाएंगे तो ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रशासन ने तो बैरियर बना दिया कि इसके नीचे आप आइए। अब लोग आते हैं, कूद कूद के उस पार चले जाते हैं, वही दुर्घटना हो जाती है, गंगा जी में डूब जाते हैं। तो सर, हमारे साथ प्रशासन के लोग भी हैं जो देख रहे हैं कि मैनेजमेंट में है, एक आला अधिकारी हमारे यहाँ पे मौजूद हूँ जो देख रहे हैं कि घाट पे खड़े हैं और पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, देख रहा हूँ कि आप टोटल पूरा मैनेजमेंट आप जो है यहाँ पे खुद खड़े होकर देख रहे हैं, भीड़ काफी है। सर, कितना इसको टफ मानते हैं सारा मैनेजमेंट करना, चूंकि पूरे दुनिया से लगभग जैसे साधु जी ने बताया कि लोग आते हैं, कितना टफ वर्क है ये आप लोगों के लिए? दरअसल ये तो पतित पावनी गंगा के अवसर पर यहाँ पर लोग आते रहते हैं, हालांकि मैं इस डिस्ट्रिक्ट से नहीं हूँ जी, मैं बाहर से आया हुआ हूँ, यहाँ किसी सरकारी काम से आया हुआ था जी। तो संगम में सोचा कि यहाँ पर आने के बाद पतित पावनी गंगा में स्नान कर लूँ आके, तो इसलिए इनके दर्शन करने में आया हुआ था यहाँ पर। यहाँ पर माघ मास के मेले के अलावा भी वैसे भी हमेशा ही भीड़ भाड़ बनी रहती है, और प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहता है पूरी तरह से। हाँ, हमेशा बने रहते हैं। और यहाँ पर एक चैलेंज तो है ही, खैर, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि उसके लिए हम लोग डील कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये जो मैनेजमेंट सबसे बड़ी, सर, इतना भीड़ को, गैदरिंग को मैनेज करना बहुत बड़ा एक टफ वर्क होता है। सिस्टम है, सब सिस्टम के तहत सब कुछ कर लिया जाता है, मैनेज कर लिया जाता है जी। सिस्टम के तहत कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती, पर्याप्त फोर्स लगा रहता है और सभी वॉचिंग किया जाता है, सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, बाकी वैसी व्यवस्था सारा सीसी कैमरे सर मॉनिटरिंग होती है। जैसे उत्तर प्रदेश से, सर मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस से ही आप हैं, लेकिन सर जो है ये जो है पावन धरती है प्रयागराज को जो है बोला गया है संगम में, पूरे दुनिया में इसका मान्यता है कि संगम में जाकर कोई पाप करते हैं तो जाकर गंगा नदी में नहा लो, पाप धुल जाता है, ये संगम है सर। तो सर देख रहे हैं जो गैदरिंग जिस तरह से बढ़ती है
और लोग जो है आते हैं श्रद्धा के साथ यहाँ पे आके स्नान करते हैं। सर चोरी चमारी की भी घटनाएं हो सकती है, तो चोरी चमार को रोकने के लिए क्या क्या रहता है? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि देखो जिसका भाव जैसा होता है उस तरह से यहाँ पर आता है जी। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं श्रद्धा भाव से आते हैं, कुछ लोग अपने धंधे से आते हैं मांगने के लिए। यस बिल्कुल, कुछ लोग भीख भी मांगते हैं, कुछ लोग भीख वालों को भीख देने के लिए आते हैं। ये अपना अपना सबका सोच और श्रद्धा भाव पर डिपेंड करता है। और जहाँ तक ये चोरी वोरी की है तो ये तो चीज़ ऐसी है कि सब जगह चलती रहती है, लेकिन फिर भी बात करते हैं और ये ऐसा रहता है कि इन लोगों पे नज़र रखी जाती है, तो ऐसा होने नहीं दिया जाता है। सर शुभ नाम आपका? सर मुनीश शर्मा। मुनीश शर्मा कौन से पोस्ट पर सर? मैं डिप्टी एसपी। डिप्टी एसपी, देखिए मुनीश शर्मा साहब डिप्टी एसपी साहब एसपी हैं, इन्होंने साफ साफ बताया है कि बहुत बड़ा टफ है, लेकिन लोगों की जो श्रद्धा है ना हर एक चीज़ पे मजबूत हो जाती है और भारी पड़ती है। श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं और सीसी कैमरे से हर एक चीज़ पे मॉनिटरिंग किया जाता है कि किसी तरह कोई घटना न घट पाए और उस पर पूरी नज़र रखते हैं। हम श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि वो आ रहे हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँ। देख रहा हूँ कि शाम में आप नहा के अभी गंगा से निकल रहे हैं, ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? हम एटा डिस्ट्रिक्ट एटा से आए हुए हैं जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है जी। हाँ, और एटा के रहने वाले हैं, आर के त्रिपाठी नाम हमारा है। त्रिपाठी जी, तो ये बताइए सर कि इस टाइम में जो है इतना दूर से आके आज नवरात्र के दिन नहाने का कितना इसको उचित आपको मानते हैं? नहीं, इसका नहाने का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा ये है कि जब दो बेरा महत्व होता है जी जी, और सनातन धर्म के अनुसार इसको नहाने में विशेष दर्जा दिया गया है। सर नहीं सर, बहुत विशेष दर्जा दिया गया है सर, लेकिन जो है प्रयागराज में ही आपने जो है चुना, चूंकि गंगा नदी सर बहुत दूर से आती है, प्रयागराज में आके यहाँ पे सर स्नान करने का तीनों गंगा मैया और सरस्वती का और तीनों का मिलने का जो मिलन होता है, तो इसलिए संगम कहा गया, इसलिए इसका विशेष महत्व है। आप कई रोज रहेंगे यहाँ पे? अभी हम नहाएंगे, अब हम अपनी गाड़ी से आए हुए, अभी हम रात में ही निकलेंगे, नवरात्रि व्रत भी है हम जी जी। हाँ, तो अभी हम नहा के अपना थोड़ा सा कुछ जलपान करेंगे, उसके बाद रात में ही हम निकलेंगे। लेकिन काफी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सुबह से नहान कर रहे हैं, और ये लोग जैसे उन्होंने कहा कि 9 दिन तक इस तरह से चलता रहेगा, तो आज आप कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा फील हो रहा है हमें, और हमें तो, हम जो गंगा हमारी माँ है, और हम तो हमेशा जब भी निकलते हैं गंगा कहीं भी निकले तो बिना गंगा नहाए नहीं निकलते हैं। इस आज विशेष महत्व नवरात्रों का महत्व है, महत्व है जी। और आप जो है फास्टिंग में भी हैं? यस। और उसके बाद नाका निकाल रहे हैं जी जी। देखिए ये है श्रद्धा, सबसे बड़ी बात अच्छी बात ये है कि जिसे सर ने कहा है कि त्रिपाठी जी ने कहा है कि मैं जो है जो बेला ढलती है तो उस टाइम में हम नहाते हैं, और ये हिंदू धर्म है सनातन धर्म है बहुत बड़े श्रद्धा है इसको माना जाता है, क्योंकि जो ये नहान करते हैं ये अलग महत्व रखता है अपने आप में कि जो है संगम नगरी में नहाना। और देख रहे हैं महिला भी है हमारे साथ, इनसे भी हम जान लेते हैं। मैम आप कहाँ से आ रही हैं? नोएडा। आप नोएडा से आई हुई हैं, तो मैम यहाँ संगम में क्या पहली बार आई या पहले भी आ चुकी हैं? नहीं पहली बार आई हूँ। पहली बार, कैसा फील हुआ आपको? अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लगा, क्या आपने स्नान स्नान भी किया यहाँ पे या पूजा पाठ भी किया आपने? जी हाँ अभी करेंगे यहाँ पे। अभी आप करेंगे? हाँ जी। तो ये आरती भी होती है, आरती में शामिल होंगी? जी 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 बिल्कुल होंगी। कैसा फील हो रहा है, मतलब कहने का है कि जो है आज नवरात्रि के दिन ही क्यों आना हुआ आपका यहाँ संगम में? नहीं नवरात्रि थी तो हम मान्यता है यहाँ पे कि नवरात्रि के टाइम पे यहाँ पे अच्छा लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे आए थे। और अच्छा लग रहा है, देखिए यहाँ पे संगम है, यहाँ पे बहुत नदियों का संगम होता है यहाँ पे गंगा जी, और जगह भी देखें हरिद्वार वगैरह में, लेकिन यहाँ पे अलग ही माहौल सा दिख रहा है, अलग माहौल लग रहा है। मैम यहाँ सुरक्षा को लेकर कोई किसी तरह का डर नहीं? अभी ऐसा तो कुछ फील नहीं हुआ कि कुछ सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी इशूज हुए हो, अभी तो ठीक लग रहा है, पुलिस कमी सिक्योरिटी जगह जगह मौजूद है यहाँ पे, क्योंकि थर्ड जगह पे आके दूसरी जगह पे आके महिला होने खास करके महिलाओं पे जिस तरह से जो होता है, तो उसको लेके आप कितनी श्योर है कि नहीं, मतलब आपके अपने को कितने सेफ महसूस कर रही है? अभी तो सेफ लग रहा है मुझे, मैं जगह जगह देखी है पुलिस सिक्योरिटी यहाँ पे है, तैनात है, जगह अवेलेबल है, अभी तो मैंने यहाँ पे कुछ लगा नहीं ऐसा कि कोई मतलब यूटीजिंग या कुछ भी ऐसा हो माहौल, तो कुछ लगा नहीं यहाँ पे, अभी थोड़ा सेफ फील हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे सभी फुल कर जी जी। क्या शुभ नाम मैम? अनामिका। अनामिका मैम थी, ये देखिए नोएडा से आई हुई थी, तो कहने का मतलब है कि हर देश के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, यहाँ स्नान कर रहे हैं। सेफ्टी के पॉइंट से जो बात किया गया तो उन्होंने कहा है कि नई सिक्योरिटी पूरी तरह से है, सिक्योरिटी जगह जगह पे लगी हुई है, इसीलिए किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं है, पूरी तरह से श्रद्धा के साथ मैं स्नान की हूँ। लोग फास्टिंग लगा के चुके हैं, नवरात्र का चरित्र नवरात्र का पहला दिन है। साधु जी ने क्या बताया है कि आज जिस तरह से न्यू ईयर मनाते हैं ईसाई लोग, उसी तरह से न्यू ईयर की आज का शुरुआत होती है, लोग उपवास रख के स्नान करते हैं और भगवान से जो है तरह तरह की अपनी मांगे मानते हैं। तो ये है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में जो है हर धर्म को पूरी तरह से जो है अपनी बातें और जो है भगवान से मांगने का हक होता है, अपना त्यौहार मनाने का जोश होता है। तो हम इसी तरह से और जगह का जो है पल पल का अपडेट देते रहेंगे। इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अपने सहयोगी बिलाल के साथ मैं मीर जलालुद्दीन।